आपकी फेवरेट दीपिका पादुकोण ने अपना बर्थडे कहां सेलिब्रेट किया, किसके साथ सेलिब्रेट किया और ये बर्थडे दीपिका पादुकोण के लिए क्यों खास है, सभी सवालों के जवाब लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं, आपकी होस्ट एंड दोस्त सायरा। बॉलीवुड आप देख रहे हैं और ये वीडियो बहुत खास है। वो इसलिए खास है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दीपिका पादुकोण ने अपना बर्थडे कहां सेलिब्रेट किया। जी हां, वो लखनऊ पहुंची थी अपने हस्बैंड, जी हां अपने पति रणवीर सिंह के साथ, और जो एसिड अटैक की सर्वाइवर है ना, उनके साथ उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया, तो हुआ ना बेहद खास। आजकल दीपिका पादुकोण अपकमिंग फिल्म छपाक के प्रमोशन में बिजी है। इसी सिलसिले में दीपिका पादुकोण लखनऊ स्थित शिरोज रेस्तरा पहुंची। शिरोज रेस्तरा एसिड अटैक सर्वाइवर्स के जरिए चलाया जाता है। दीपिका ने एसिड अटैक सर्वाइवर से मुलाकात की और उनकी जिंदगी से जुड़ी चुनौतियां जानी। दीपिका पादुकोण ने रणवीर सिंह से शादी की और शादी के बाद ये पहली बार होगा जब दीपिका की कोई फिल्म रिलीज हो रही है। जो यहाँ फिल्म का नाम है छपाक, जो कि 10 जनवरी को दस्तक दे रही है। आपको बता दें, ये जो फिल्म है ना छपाक, ये बेहद अजीज है, बेहद करीब है दीपिका पादुकोण के। वो इसलिए क्योंकि ये फिल्म बेस्ड है, आधारित है एसिड अटैक पीड़िता लक्ष्मी अग्रवाल के जीवन पर बनी है दरअसल ये फिल्म। अभी एक इंटरव्यू में वो जब लगातार मीडिया से मुखातिब थी तब उनके आंखों से आंसू आ गए थे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किरदार उनके दिल के कितने करीब है। और इसमें उनके अपोजिट नजर आएंगे विक्रांत, और किरदार निभा रहे हैं अमोल का। इसके अलावा दीपिका के वर्क फ्रंट की बात करें तो दीपिका पादुकोण रियल लाइफ के बाद अब रियल लाइफ में भी आपको रणवीर सिंह की पत्नी के किरदार में फिल्म 83 में नजर आएंगी। कबीर खान के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में रणवीर सिंह भारतीय क्रिकेटर कपिल देव के किरदार में नजर आएंगे। वहीं दीपिका पादुकोण फिल्म में उनकी पत्नी का किरदार निभा रही हैं। तो पीकू की गुस्सेल पीकू, वहीं कॉकटेल की बिंदास वेरोनिका, पद्मावत की ऐतिहासिक पद्मावती, जी हाँ जो भी किरदार मिला उसमें जान फूंक दी, कुछ ऐसी ही है दीपिका पादुकोण। और फैंस को चौंका दिया था, अपने पीक पर थी अपने करियर के और उन्होंने शादी की रणवीर सिंह से। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं, आप कमेंट करें, शेयर जरूर करें, और हाँ अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना ख्याल रखें, फिर से मुलाकात होगी।